तो बच्चों पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे क्वेश्चंस इलेक्ट्रिक फ्लक्स के। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं गॉस लॉ। गॉस लॉ में हम पढ़ेंगे कि अगर कोई क्लोज सरफेस है, कैसी सरफेस, क्लोज सरफेस, और उसके अंदर अगर कोई चार्ज भरा हुआ है तो उस क्लोज सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स जाएगा, यह गॉस लॉ से हमें पता चलेगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है गॉस लॉ। तो गॉस लॉ में मान लीजिए हमने कोई भी क्लोज सरफेस ये कंसीडर की हुई है, इसके अंदर कुछ चार्जेस भरे हुए हैं, मान लो ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, इसी तरह से मान लो ये n चार्जेस हैं, तो ये सरफेस क्लोज है तो इसमें से कितना फ्लक्स जाएगा। अगर ये क्लोज सरफेस एक वैक्यूम के अंदर है तो उसकी वैल्यू होगी फाई नेट, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू टोटल चार्ज कितना है, यानी कि इनसाइड टोटल चार्ज कितना है डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस लॉ होता है। यहां पर क्यू इनसाइड, क्यू इन मतलब क्यू इनसाइड द सरफेस, यानी चार्ज इनसाइड द सरफेस, तो Q1 प्लस Q2 प्लस डॉट 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 प्लस Qn, अगर ये n चार्जेस हैं सबका सम होगा। ये किसमें है, वैक्यूम के अंदर। तो देखिए CBSE कई बार पूछ लेती है कि गॉस लॉ लिखिए, तो आपको लिखना है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स या नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द टोटल चार्ज इंक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट प्रोवाइडेड द सरफेस मस्ट बी इन वैक्यूम। यहां पर हम एप्सिलॉन नॉट लिख रहे हैं तो सरफेस किसमें होनी चाहिए, वैक्यूम के अंदर, और अगर सरफेस वैक्यूम के अंदर नहीं है तो एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आएगा, एप्सिलॉन। समझ में आया, क्लियर हो गई बात, ठीक, बहुत बढ़िया। अब देखिए यहां पर हम इसको प्रूव करेंगे। वैसे मैं आपको क्लियर कर दूं कि लॉज के कभी कोई प्रूफ नहीं होते, क्योंकि गॉस लॉ जो है ये कूलम्स लॉ से पहले आया था, तो कूलम्स लॉ से पहले तक गॉस लॉ का कोई प्रूफ नहीं था, लेकिन जब कूलम्स लॉ आ गया तो कूलम्स लॉ की हेल्प से हम इसको प्रूफ कर पाए। वैसे मैंने आपको बताया कि लॉज के कोई प्रूफ नहीं होते, लेकिन क्योंकि कूलम्स लॉ बाद में आया है, गॉस लॉ पहले आया, तो पहले इसका कोई प्रूफ नहीं था, लेकिन कूलम्स लॉ के आने से हमने इसको वेरीफाई कर दिया कि जो गॉस लॉ है वो बिल्कुल ठीक है। कैसे इसको वेरीफाई किया हमने, इसका प्रूफ जो किया है उसमें क्या कंसीडर किया है कि ये एक स्फीयर है और ये उस स्फीयर का सेंटर जहां पर चार्ज कैपिटल क्यू रखा है, इस कैपिटल क्यू चार्ज की वजह से इस स्फेरिकल सरफेस से कितना फ्लक्स जाएगा, कितना फ्लक्स जाएगा, ये स्फेरिकल सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस। तो इस स्फेरिकल सरफेस से कितना फ्लक्स जाएगा कैसे फाइंड करेंगे, तो आपको पता है कि जब हम फ्लक्स निकालते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाई एरिया वेक्टर, ये हमारा फॉर्मूला है। अब आप जानते हैं कि स्फेरिकल सरफेस है तो यहां पर एरिया वेक्टर की कोई एक वैल्यू तो आ नहीं सकती, क्योंकि अलग अलग पॉइंट पर देखेंगे तो आप एरिया वेक्टर की डायरेक्शन अलग अलग पाएंगे, तो इसलिए एरिया वेक्टर एक नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, यहां पर हमने क्या माना है, आर रेडियस है स्फीयर, तो हमने माना कि यहां जब सेंटर पर चार्ज क्यू रखा है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से बाहर आई, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो आप देखेंगे यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से सारी इस तरह से बाहर निकलेंगी, तो यहां पर हमने एक बहुत छोटा सा एरिया वेक्टर लिया है, दिस इज डीएस। तो यहां पर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन लेंगे तो आपको पता है सरफेस के नॉर्मल, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो है वो भी सरफेस के नॉर्मल, क्यों, क्योंकि ये जो है चार्ज ये हमने कहां पर रखा हुआ है, इस स्फीयर के सेंटर पर, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डीएस वेक्टर। तो थीटा कितना हो गया यहां पर, जीरो, यानी जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसी डायरेक्शन में डीएस वेक्टर, तो थीटा आ गया जीरो। तो इस छोटे से एरिया एलिमेंट से कितना फ्लक्स जाएगा तो कैसे निकालेंगे, तो स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एरिया एलिमेंट डीएस, हमने एरिया एलिमेंट डीएस लिया है तो इससे कितना फ्लक्स जाएगा, तो स्मॉल फ्लक्स वो डी फाई ई हमने माना, तो क्या होगा ई डॉट डीएस। तो यहां से इसको लिखेंगे तो ई डी एस कॉस जीरो, क्योंकि यहां थीटा कितना है जीरो, तो कितना आएगा ई डी एस। पूरी सरफेस में से कितना जाएगा, तो जैसे ये हमारा सरफेस एलिमेंट है इसके लिए डीएस और ई में थीटा जीरो है, तो आप कहीं भी ले लीजिए, यहां पर ले लीजिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी,
और यहां पर अगर हम ds वेक्टर लेंगे तो वो भी बाहर की तरफ आएगा, दिस इज ds वेक्टर, तो यहां भी थीटा कितना है जीरो। तो जितने भी आप एलिमेंट कंसिडर करेंगे वो सारे ही सारे एलिमेंट आइडेंटिकल होंगे, तो इसलिए हर किसी एलिमेंट के लिए ई डॉट डीएस कितना आएगा, ई डी एस। तो अगर मैं आपसे कहूं कि पूरी सरफेस में से कितना फ्लक्स गया है तो आपको क्या करना है, इन सबको जोड़ देना है। तो जोड़ने का काम कौन करेगा, इंटीग्रेशन। एक एलिमेंट से पास होने वाला फ्लक्स पता है तो पूरी सरफेस से कितना फ्लक्स जाएगा तो आप इसका इंटीग्रेशन कर दो। तो नेट फ्लक्स, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस, पासिंग थ्रू द सरफेस इज इंटीग्रेशन डी फाई ए इज इक्वल टू, ये कितना आएगा, इंटीग्रेशन ई डी एस। अब ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, आप किसी भी एलिमेंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड कॉन्स्टेंट होगा। मैंने कहा कि यहां बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, यहां बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, तो सब जगह सेम होगी। क्यों, क्योंकि ये दोनों ही एलिमेंट या जितने भी एलिमेंट इसके ऊपर हैं वो सभी इस चार्ज क्यू से बराबर दूरी पर हैं। तो आपको पता है एक चार्ज क्यू की वजह से आर दूरी पर, क्योंकि आर इसकी रेडियस है, आर दूरी पर इंटेंसिटी, तो ए क्यू ओवर आर स्क्वायर। तो यहां पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यह आएगा इंटीग्रेशन ए क्यू ओवर आर स्क्वायर इंटू डी एस। अब ए क्यू ओवर आर स्क्वायर तो कॉन्स्टेंट है, तो यहां से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आएगा दैट इज इक्वल टू ए क्यू ओवर आर स्क्वायर इंटीग्रेशन डी एस। अब इंटीग्रेशन डीएस का मतलब जितने भी आपने यहां पर छोटे छोटे ये डीएस डीएस एरिया एलिमेंट कंसीडर किए हैं उन सबका सम। तो आपने पूरी सरफेस को डीएस डीएस में तोड़ा, ये अनंत डीएस एरिया वेक्टर हैं, इन सबका सम करिए तो पूरी सरफेस का एरिया आ जाएगा। तो दैट इज इक्वल टू ए क्यू ओवर आर स्क्वायर इंटू फोर पाई आर स्क्वायर क्या है, सरफेस एरिया। तो यहां पर ए की वैल्यू पुट कर दो तो ए होता है 1/4πε0 और ऊपर है क्यू इंटू 4πr² ओवर r² तो r² से r² 4π से 4π गया। तो यहां से जो यहां से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो कितना आएगा q/ε0। तो ये प्रूव कर दिया, यानी कि अगर हम कोई भी स्फेरिकल सरफेस ले रहे हैं उसके सेंटर पर चार्ज क्यू रखेंगे तो पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो q/ε होगा। यहां से ये बात प्रूव हो जाती है। अब थोड़ा सा पिछले लेक्चर्स में जाइए फ्लक्स वालों में, वहां मैंने आपको बताया कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वास्तव में वो क्या होती है, एनर्जी का मेजरमेंट होता है। तो अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि भाई यहां पर हमने सेंटर पर चार्ज रखा तो इस सरफेस में से निकलने वाली एनर्जी इतनी है, सोचो कि अगर इस चार्ज को मैं यहां रखने की बजाय कहीं और रखूं यहां पर, तब भी तो फील्ड लाइंस जो हैं यानी कि एनर्जी जो है वो उतनी बाहर जाएगी, अरे जाएगी नहीं जाएगी, बिल्कुल। अभी आप देख रहे हैं कि फील्ड लाइंस इस तरीके से बाहर निकल रही हैं इसमें, जब आप सेंटर पर यहां रखो, अगर यहां रखने की बजाय अगर हम यहां कहीं रख दें तब भी क्या होगी, फील्ड लाइंस इसी तरह से बाहर निकलेंगी। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो है उनमें कोई चेंज नहीं हुआ, जितनी फील्ड लाइन जब चार्ज को यहां रखते हैं वही सरफेस में से बाहर आती हैं, उतनी ही फील्ड लाइन जब चार्ज को हम सेंटर के अलावा और भी कहीं रखेंगे तो उतनी ही फील्ड लाइन इसमें से बाहर निकलेंगी। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि अगर एक कूलम से आपने माना है कि 10 लाइंस बाहर आ रही है तो क्यू कूलम से आने वाली 10 Q लाइंस होंगी। और मैंने कहा कि कोई भी एक लाइन एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है, तो एक लाइन के अंदर आपने मान लो 1 जूल एनर्जी ली तो इतनी सारी लाइन में कितनी एनर्जी, 10 × Q × 1 जूल, तो इतने जूल एनर्जी आएगी, 10 Q जूल। तो आपको बताया कि जब एक कूलम से 10 लाइन तो क्यू कूलम से 10 Q लाइन जाएंगी, तो आप उसको चाहे यहां रखो या यहां पर रखो, चार्ज तो आपने सेम ही रखा है तो उसमें से निकलने वाली नंबर ऑफ लाइन तो सेम ही है भाई। जब नंबर ऑफ लाइन सेम है और हर लाइन के अंदर एक एनर्जी मैंने आपको बता दी फिक्स, जैसे मान लीजिए कि एक लाइन में 1 जूल, तो हर लाइन जो है उसमें से जो जाने वाली एनर्जी वो सेम है, तो एक लाइन से 1 जूल तो 10 Q लाइन से कितनी जाएंगी, 10 Q जूल। तो चाहे उसको यहां रखो, जब भी वो इस सरफेस को क्रॉस 10 Q जूल एनर्जी करेगी, यहां रखोगे तब भी 10 Q जूल एनर्जी क्रॉस करेगी, यहां रखोगे तब भी 10 Q जूल एनर्जी क्रॉस करेगी। तो हम ये कहेंगे कि चाहे चार्ज को इस बॉडी के अंदर आप कहीं भी रख लीजिए, जाने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा क्या होगा, q/ε।
अच्छा क्या वो इसकी रेडियस पर डिपेंड कर रहा है? आप देख रहे हैं कि यहां जो क्यू की वैल्यू है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंडिपेंडेंट फ्रॉम रेडियस, ये रेडियस पर डिपेंड करने वाला नहीं है। ये फील कर लो, अभी रेडियस इतनी है तो मान लो इसमें से बाहर निकलने वाली लाइंस कितनी है 10 क्यू जूल्स, तो एनर्जी कितनी गई 10 क्यू जूल, क्योंकि एक लाइन में मैंने 1 जूल एनर्जी मानी है। अगर मान लो मैं बड़ी रेडियस का सर्कल ले लेता हूं और उसके अंदर इस चार्ज को रखू तो अब इसमें से कितनी एनर्जी जाएगी? भाई एनर्जी तो उतनी जानी है, क्योंकि जितनी लाइंस इस अंदर वाले सर्कल में से निकलेंगी उतनी लाइंस इस सॉरी अंदर वाले स्फीयर में से निकलेंगी उतनी लाइंस ये बाहर वाले स्फीयर में से निकलेंगी, और एक लाइन के अंदर जो एनर्जी है वो फिक्स है हमारी 1 जूल। क्लियर हो गया? तो जितनी एनर्जी अंदर वाले स्फीयर में से गई उतनी एनर्जी बाहर वाले स्फीयर में से गई, तो इसका मतलब जितना फ्लक्स अंदर वाले स्फीयर में से गया उतना ही फ्लक्स इस बाहर वाले स्फीयर में से गया। तो इसका मतलब क्या है कि फ्लक्स जो है वो शेप पर सॉरी इसके रेडियस पर डिपेंड नहीं कर रहा। तो क्या फ्लक्स शेप पर डिपेंड करेगा? शेप पर भी डिपेंड नहीं करने वाला। आपने मान लीजिए इस तरह की कोई क्लोज्ड सरफेस बना दी, ये लो जी, तो अब इस अंदर वाले स्फीयर में से निकलने वाली लाइंस का नंबर जो है उतना ही लाइंस का नंबर होगा अगर मैं सरफेस को स्फेरिकल लेने की बजाय इस शेप की ले लूं। क्यों? क्योंकि चार्ज तो हमारा उतना ही है। मैंने आपको बताया क्यू कूलम से कितनी लाइंस जा रही हैं 10 क्यू। अब चाहे उसको आप स्फीयर के अंदर बंद कर दो चाहे इस रेगुलर शेप के अंदर बंद कर दो तो उससे नंबर ऑफ लाइंस पर तो कोई चेंज नहीं होता। तो इसका मतलब चाहे स्फेरिकल सरफेस है तब भी उसमें से इतनी लाइंस, या किसी और शेप के सरफेस हम ले रहे हैं तब भी उतनी लाइंस, तो फ्लक्स क्या होगा? सेम होगा। सोचो कि अगर मैं क्यूब बना दूं इस तरीके से, मैंने एक क्यूब बना लिया, इस चार्ज को मैंने किसके अंदर मतलब रख दिया क्यूब के अंदर, तो क्या फ्लक्स चेंज हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों? ये जैसे हमने क्यूब कंसिडर किया है, क्यूबिकल बॉडी है कोई, ठीक है, उसके अंदर ये आ गया, तो जितनी फील्ड लाइंस अंदर वाले स्फीयर में से उतनी फील्ड लाइंस इस शेप की सरफेस में से और उतनी फील्ड लाइंस इस क्यूब के अंदर से जाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है किसी भी सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या उस सरफेस के साइज पर डिपेंड करेगा? नहीं। क्या उस सरफेस की शेप पर डिपेंड करेगा? नहीं। तो किसी भी शेप साइज की आप सरफेस ले लीजिए, उसके अंदर कितना चार्ज भरा हुआ है उस सरफेस से जाने वाला फ्लक्स, वो चार्ज कितना है डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन, इसके बराबर होगा, ना कि उस सरफेस की साइज के, ना कि उस सरफेस के रेडियस के यानी कि शेप के, इन पर डिपेंड करेगा। क्लियर? यानी फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी, इट इज ओनली डिपेंड ऑन द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस। ये ध्यान रखना है कि ये जो आ रहा है फ्लक्स, ये किससे जा रहा है? क्लोज्ड सरफेस से जा रहा है। क्लियर होगी बात? अब देखिए यहां पर अगर मान लो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पुटअप करूं, जैसे कई सारे कॉम्पिटिशन की जो किताबें हैं उनमें दिया होता है, मान लो कि हमने ये एक क्लोज सरफेस ली, एक चार्ज इसमें क्यू वन है, एक चार्ज इसमें क्यू टू, और एक चार्ज बाहर रख दिया हमने क्यू थ्री। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इन तीनों चार्जेस की वजह से, इन तीनों चार्जेस की वजह से टोटल कितना फ्लक्स गया? हमने एग्जाम्पल लिया है फाइंड नेट फ्लक्स, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज्ड सरफेस, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज्ड सरफेस। ये जो क्लोज्ड सरफेस है इसमें से कितना फ्लक्स निकलेगा? मान लो ये चार्ज यहां पर है, ये चार्ज यहां पर है, तो अभी आपने गॉस लॉ पढ़ा हुआ है। अगर मैं ये कहूं कि Q1 की वजह से बताओ इस क्लोज्ड सरफेस से कितना फ्लक्स जा रहा है, Q1 की वजह से क्लोज्ड सरफेस से कितना फ्लक्स जा रहा है, तो हम कैसे निकालेंगे? आप इस सरफेस को थोड़ी देर के लिए से भूल जाओ, आप इस सरफेस को छोटे छोटे एलिमेंट्स में तोड़ो, एरिया एलिमेंट्स में। मान लो मैंने यहां पर ये एरिया एलिमेंट लिया है dA, कितना लिया dA, तो इसकी वजह से हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जाएगी। मान लो इसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है E और एरिया वेक्टर है इसका मान लीजिए dA। क्लियर हो गया? तो इस छोटे से एलिमेंट की वजह से कितना फ्लक्स जाएगा? दैट इज E.dA। जाएगा नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। हमने मान लिया कि इसकी वजह से यहां जो इंटेंसिटी है वो E, या एक काम करो Q1 है तो इसको E1 ले लो, इसकी वजह से यहां इंटेंसिटी E1 और ये छोटा सा एलिमेंट हमने dA वेक्टर लिया, इसके डायरेक्शन इधर, मान लो दोनों में एंगल थीटा, तो इस Q1 की वजह से इस एलिमेंट से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा E.dA।
तो हम इस पूरी सरफेस को ऐसे छोटे छोटे डीए 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 एरियाज में तोड़ सकते हैं। तो फिर पूरी सरफेस में से इस Q1 की वजह से कितना फ्लक्स जाएगा, तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे। अरे करेंगे नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो टोटल फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू चार्ज Q1, इस Q1 की वजह से कितना जाएगा, मान लो फाइव, ये फ्लक्स गया, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको इंटीग्रेट कर। तो इंटीग्रेशन E1 डॉट dA, क्लियर हो गया बात। लो जी ये क्लोज सरफेस है, इसलिए मैंने यहां पर क्या लगा दिया, सर्कल लगा दिया। सर्कल का मतलब सरफेस क्लोज है। अच्छा, दूसरा चार्ज अगर मान लो मैं यहां पर ले रहा हूं Q2, तो Q2 की वजह से अगर मैं ये कहूं कि एक एरिया एलिमेंट, मान लो मैं इसी की बात कर रहा हूं, तो Q2 की वजह से इससे कितना जाएगा, तो Q2 जो चार्ज है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा। मान लो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 है, कितनी है E2, तो Q2 की वजह से यहां से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू चार्ज Q2 तो कितना होगा, मान लो फाइव, तो इसकी वैल्यू तो इस छोटे से एलिमेंट से जाएगा E2 डॉट dA। तो भाई साहब ऐसे dA dA तो इसमें अनंत एरिया है, तो उन अनंत एरियाओं से इसकी वजह से कितना फ्लक्स जाएगा, तो आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन और सर्कल क्लोज कर देंगे। अब तीसरा चार्ज क्या है, Q3। तो सिमिलरली इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू चार्ज Q3, तो मान लो उसकी वजह से E3, तो वो कितना आएगा, वो कितना आएगा यहां पर, तो करिए जी इसकी वैल्यू कितनी आएगी, देखो इसकी जो वैल्यू आएगी यहां से, तो ये आएगी इंटीग्रेशन E3 डॉट dA, E3 डॉट dA। अब इनकी वैल्यू देखो, गॉस थ्योरम अभी हमने पीछे पढ़ी है, अरे गॉसेज लॉ पढ़ा है नहीं पढ़ा, तो किसी भी चार्ज की वजह से जो पास होने वाला फ्लक्स है वो कितना होता है, अभी हमने देखा Q1 चार्ज की वजह से क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स जाएगा, इंटीग्रेशन E डॉट dA, बट गॉसेज लॉ क्या कहता है, दिस मस्ट बी इक्वल टू टोटल चार्ज इंक्लोज्ड बाय सरफेस, तो वो कितना है, Q1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसी तरह से Q2 की वजह से बताओ, तो Q2 की वजह से कितना फ्लक्स इसमें से गया, वो फाइव टू, तो वो आएगा कितना चार्ज इंक्लोज्ड है, तो Q2 की वजह से ले रहे, तो Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q3 की वजह से बताओ, तो Q3 की वजह से क्या होगा, जीरो। क्यों, क्योंकि पिछले क्वेश्चंस में, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया हुआ है कि अगर कोई चार्ज आउटसाइड है तो उसकी वजह से किसी भी क्लोज सरफेस से पास होने वाले फ्लक्स में उस आउटर साइड का जो चार्ज है उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। ये हमने प्रूव करा हुआ है, क्योंकि ये चार्ज जितनी फील्ड लाइंस इसमें एंटर कराएगा तो उतनी फील्ड लाइंस को बाहर निकालेगा, तो जितनी एनर्जी एंटर करेगी उतनी एनर्जी इसमें से बाहर निकल जाएगी, इसलिए इसका फ्लक्स कितना होगा, जीरो। तो अगर हम देखें कि इन तीनों चार्जेस की वजह से यहां इस बॉडी से कितना फ्लक्स गया, तो फाइनेट इज इक्वल टू आएगा फाइव वन प्लस फाइव टू प्लस फाइव थ्री, क्लियर। तो तीनों को ऐड कर दो भाई, तो कितना आएगा, इंटीग्रेशन ई डॉट ई वन डॉट डी ए प्लस, फिर क्या आएगा, E2 डॉट dA प्लस, फिर क्या आएगा, E3 डॉट dA, और दिस इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस जीरो। तो देखो हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, ये जो पूरी वैल्यू है इसको लिखा जा सकता है E1 प्लस E2 प्लस E3 डॉट dA, लिख सकते हैं बिल्कुल। तो दिस इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, वो तो टोटल चार्ज है सरफेस के अंदर, तो इसको लिख सकते हैं Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये E1 प्लस E2 प्लस E3, जैसे हमने कहा कि इसकी ये चार्ज था, तो इसकी वजह से ये जो था ये कौन सी डायरेक्शन, ये E3 वेक्टर, मतलब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा। तो अगर मैं कहूं कि E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर, तो ये इस पॉइंट पर क्या होगा, E नेट, क्या होगा, E नेट। अगर मैं E नेट निकालूंगा तो E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर, तो मैंने इसको क्या लिख दिया, E नेट, या सिंपल हम इसको लिख सकते हैं E वेक्टर। तो यहां से हम इसको रिप्लेस करें तो ये बन जाएगा फाई नेट, यानी नेट जो फ्लक्स जाएगा क्लोज सरफेस से, दैट इज E डॉट dA या E नेट डॉट dA, E नेट
डॉट डी ए, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी जो ई नेट आएगा या ई आएगा वो क्या होगा, चाहे अंदर के चार्जेस हैं चाहे बाहर के चार्जेस हैं, सारे चार्जेस मिलकर के कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके बराबर है। तो दिस मस्ट बी इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये भाई साहब हमारा नेट फ्लक्स आएगा। इसी को हम बोलते हैं गॉसेज लॉ, क्या बोला जाता, ये क्या बोला जाता है, फाई नेट इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये किसके बराबर होता है, इंटीग्रेशन ई नेट डॉट डी ए, ये है गॉस लॉ। गॉस लॉ यहां पर ये जो है, दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ये क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनसाइड एंड आउटसाइड चार्जेस, जो अंदर और बाहर के चार्जेस हैं उनकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ये उसकी वैल्यू है। बात समझ आ गई। अब देखिए, ये हमारा गॉस लॉ हो गया। हम जो डिस्कस करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स कि कैसे कैसे हम इसके प्रॉब्लम्स को देखिए डिस्कस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन हम कंसिडर कर रहे हैं कि एक क्यू है, बहुत एक कॉमन सा क्वेश्चन है, आपको हर किसी किताब में मिलता है। ये हमने क्यू ले लिया, इस क्यू के सेंटर पर हमने एक चार्ज स्मॉल क्यू रख दिया या कैपिटल क्यू, जो भी आप ले रहे हैं, ये लीजिए, ये हमने क्यू बना लिया और ये इसका सेंटर है। सेंटर आप जानते हैं जहां पर डायगनल्स एक दूसरे को काटते हैं, जहां पर डायगनल्स एक दूसरे को काटते हैं वो सेंटर होता है। तो जैसे आप इमेजिन करिए कि क्यू का हम सेंटर ले रहे हैं, तो मान लीजिए कि जिस रूम के अंदर आप ये देख रहे हैं वीडियो, उस रूम का सेंटर यानी कि उसके जो डायगनल्स है, जैसे एक डायगनल ऐसे, एक डायगनल ऐसे, इस तरह से, इस तरह से, ये डायगनल्स हो गए, तो ये जिस पॉइंट पर काटेंगे वो क्या होगा, सेंटर। तो आपने वहां पर चार्ज क्यू रखा, तो आपको बताना है इस क्यू में से कितना फ्लक्स पास होगा जबकि साइड कितनी है, ए। तो फाइंड नेट फ्लक्स, नेट फ्लक्स थ्रू द क्यू। तो भाई साहब फ्लक्स की जो वैल्यू होती है वो तो शेप साइज पर डिपेंड ही नहीं करती, वो तो ये देखती है कि सरफेस जो क्लोज्ड है उसके अंदर टोटल चार्ज है, वो तो ये भी नहीं देखती कि वो चार्ज सेंटर पर है या नहीं। तो यहां पर जो नेट फ्लक्स आएगा, तो टोटल कितना चार्ज भरा हुआ है इसमें, क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन। ये आपको ध्यान रखना है कि ये फ्लक्स किसमें होता है, वैक्यूम के अंदर। अगर मीडियम में लेंगे तो यहां पर क्यू आ जाए, क्लियर। अगर मान लो आपसे पूछा जाए कि इसकी एक सरफेस से कितना फ्लक्स गया, एक सरफेस से कितना फ्लक्स गया, तो फाइंड द नेट फ्लक्स थ्रू द क्यू एंड फ्लक्स थ्रू एनी वन फेस। तो ये जो फ्लक्स जा रहा है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये कितनी फेस में से जा रहा है, छह में से। कब जा रहा है, जब चार्ज कहां पर रखा है, सेंटर पर। तो हमें पता है कि हर फेस से बराबर फ्लक्स जाएगा, क्यों जाएगा, क्योंकि जब चार्ज सेंटर पर है तो जितनी फील्ड लाइन इस नीचे वाली सरफेस में से निकलेंगी उतनी ही फील्ड लाइन हर किसी सरफेस में से जाएंगी, जितनी इसमें से गई है उतनी फील्ड लाइन हर किसी सरफेस में से निकलेंगी। तो हर किसी सरफेस से निकलने वाली जो एनर्जी है वो सेम है या नहीं, बिल्कुल सेम है, तो फ्लक्स की वैल्यू भी क्या होगी, सेम। ऐसा केवल तभी पॉसिबल है जब चार्ज सेंटर पर है। अगर ये चार्ज सेंटर पर नहीं है, मान लो कि इस वाली ऊपर वाली फेस की क्लोज है, तो आप देखेंगे ऊपर वाली फेस में से ज्यादातर फील्ड लाइंस निकलेंगे, नीचे वाली फेस में से फील्ड लाइंस कम जाएंगी, तो फिर प्रत्येक फेस में से जाने वाला फ्लक्स सेम नहीं होगा। फ्लक्स सेम केवल तभी आएगा जब ये चार्ज कहां पर रखा है, सेंटर पर, क्लियर। बिकॉज चार्ज इज एट सेंटर, सो देयरफॉर फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच फेस विल बी सेम, दैट्स व्हाई फ्लक्स थ्रू वन फेस। तो फ्लक्स थ्रू वन फेस, एक फेस में से कितना फ्लक्स जाएगा, तो मान लो 5x, तो टोटल कितना फ्लक्स है, आप इसको नेट फ्लक्स कितना है उसको 6 से डिवाइड कर दो, क्योंकि ये सारा के सारा नेट फ्लक्स 6 फेस में से निकल रहा है और सभी से बराबर जा रहा है, तो एक फ्लक्स में से जाएगा डिवाइडेड बाई 6, यानी क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, क्लियर हो गया। सोचो कि अगर इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा चेंज कर दें, हमने क्या किया कि चार्ज को सेंटर पर नहीं रखा, चार्ज को सेंटर पर नहीं रखा, हमने चार्ज को कॉर्नर पर रख दिया, क्यू के
कॉर्नर पर। देखिए अगर चार्ज को Q के कॉर्नर पर रखा जाएगा तो क्या होगा, ठीक है। हमने मान लीजिए चार्ज को यहां रख दिया, ये कैपिटल Q, इसके कॉर्नर पर है। अब आपसे पूछा जाएगा फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द Q और साइड इसकी वही A ले लीजिए। फाइंड, अगला हमारा क्वेश्चन हो गया फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द Q, पासिंग थ्रू द क्यू, क्यू में से कितना फ्लक्स निकलेगा ये हमें बताना है। तो आप इसको कैसे इमेजिन करेंगे, हमको पता है कि अगर सेंटर पर चार्ज रखा है क्यू के पर तो छह फेस में से टोटल फ्लक्स जाना है और वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन, तो एक में से कितना जाएगा तो डिवाइडेड बाई सिक्स क्यू अपॉन सिक्स एप्सिलॉन। आया नहीं आया, बिल्कुल। अब ऐसा ही कंसेप्ट कुछ इसके लिए सोचेंगे। ये मान लो कि हमारा एक क्यू है, ये क्लासरूम जो है ये एक क्यू है और हमने इसके कॉर्नर पर एक चार्ज रख दिया, जो कॉर्नर है वहां चार्ज रख दिया। सोचो कि जैसे ये वाला क्यू है वैसा ही एक क्यू इसके बिल्कुल इधर बना दो साइड में, और वैसा ही एक क्यू इसके पीछे बना दो, और वैसा ही एक क्यू फिर इस वाले के इधर साइड में बना दो, यानी कि ये एक क्यू है। तो आपको तीन क्यू और कंस्ट्रक्ट करने, किधर करने, एक तो ये जैसे क्यू है इसके बिल्कुल बगल में बना दिया तो दो क्यू हो गए, और दो क्यू फिर इन दोनों के बिल्कुल इधर बना दो पीछे पीछे की तरफ। तो ये जो कॉर्नर का चार्ज है ये सेंटर में आएगा नहीं आएगा, सेंटर में आ जाएगा। तो यानी कि चार जो क्यू हुए उनके सेंटर में हो गया वो एक सिंगल चार्ज। अब सोचो कि अगर मैं चार और इनके ऊपर रख दूं, अरे चार तो नीचे हो गए, इसके ऊपर एक क्यू, बगल वाले के ऊपर भी एक क्यू, और जो दो क्यू हमने पीछे की तरफ लिए एक इसके पीछे और एक जो इधर वाला क्यू है उसके पीछे, तो इन सभी के ऊपर एक एक क्यू और बना दिया जाए तो टोटल कितने क्यू बने, आठ। तो अब इमेजिन करो कि वो अगर आठों क्यू दूर से देखे जाए तो एक क्यू नजर आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। आठों क्यू को अगर हम दूर से देखेंगे तो एक ही क्यू तो नजर आएगा, और ये जो कॉर्नर वाला चार्ज है अब ये आठों क्यू के कहां गया, सेंटर पर। तो अगर मैं ये कहूं कि वो आठों क्यू के सेंटर पर, उन आठों क्यू के सेंटर पर चार्ज कैपिटल क्यू रखा है, तो बताइए उन आठों क्यू में से कितना फ्लक्स जाएगा, तो फाई नेट कितना आएगा आठों में से, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यों, क्योंकि वो जो आठों क्यू हैं वो भाई साहब दूर से दिखने पर तो एक ही क्यू नजर आ रहा है, तो क्लोज्ड सरफेस हो गए ना आठों क्यू से मिलकर के एक क्लोज सरफेस, और उसमें कितना चार्ज है कैपिटल क्यू, और ये भी उन आठों क्यू के कहां है, सेंटर पर। तो एक तो उन आठों क्यू में से कितना फ्लक्स गया, या हम ये कहें आठों क्यू से जो एक क्यू हमें बड़ा वाला नजर आया उसमें से कितना फ्लक्स गया, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन। ये वास्तव में क्यू अपॉन एप्सिलॉन ये आठ क्यू में से निकल रहा है और सभी क्यू में से बराबर जा रहा है, क्यों, क्योंकि वो चार आठों क्यू के सेंटर पर है। तो एक क्यू में से कितना जाएगा, तो फाई नेट जो आएगा आपका आंसर दैट इज फाई डैश नेट। तो ये क्या आएगा, जितना फाई नेट है डिवाइडेड बाई एट, तो यानी कि एट अपॉन सॉरी क्यू अपॉन एट एप्सिलॉन नॉट, ये भाई साहब आपका आंसर आएगा। अगर हम एक चार्ज को क्यू के कॉर्नर पर रख देते हैं तो कितना फ्लक्स उसमें से जाएगा, दैट इज एट क्यू अपॉन एट एप्सिलॉन। अगर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा और ट्विस्ट कर दिया जाए, आपसे पूछा जाए कि बताइए इस वाली फेस में से कितना जाएगा, इस वाली फेस में से निकलने वाला फ्लक्स बताइए, तो आप देख रहे हैं कि जैसे ये वाली फेस है वैसे ही ये वाली फेस है, इस वाले क्यू के लिए ये वाली फेस और ये वाली फेस ये बिल्कुल कैसी हैं, आइडेंटिकल। ये फेस कैसी हैं, आइडेंटिकल। अरे बात समझ में आई नहीं आई, और वैसे ही ये वाली फेस, ये तीनों ही फेस बिल्कुल आइडेंटिकल है इसके लिए। आप मुझे बताओ कि इस चार्ज क्यू की वजह से ये टॉप पर जो फेस है या इसके साथ में ये वाली जो फेस है और एक इसके जो पीछे वाली फेस है उनसे कितना फ्लक्स गया, इमेजिन करिए टॉप वाली ये फेस है तो इस क्यू की वजह से फ्री लाइन तो इसमें से निकलेंगी, अरे निकलेगी नहीं निकलेंगी, इसमें से ऐसे जाएंगी जाएंगी नहीं जाएंगी, तो सारी की सारी फ्री लाइन इस टॉप वाली फेस के प्लेन में, तो इसका फ्लक्स कितना हुआ जीरो। इसी तरह से इसकी वजह से फील्ड लाइंस इस वाली सरफेस के भी प्लेन में है तो कितना हुआ जीरो, और ऐसे ही इसके जो तीसरी फेस बची है उसके प्लेन में। इमेजिन कर लीजिए कि कॉर्नर पर अगर हमने चार्ज रख दिया तो इस वाली सरफेस में से, मतलब ये जो वॉल है
क्योंकि वहां अगर कॉर्नर पर मैं चार्ज रख रहा हूं तो सारी की सारी फील्ड लाइन जो इस वॉल में से जाएंगी तो इसके प्लेन में से निकलेंगी, ऐसे निकलेंगे नहीं निकलेंगे। तो कॉर्नर पर अगर चार्ज रखा है तो उसकी वजह से इस सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स जीरो होगा, क्योंकि कोई भी लाइन ऑफ फोर्स इसके परपेंडिकुलर नहीं है। ऐसे ही अगर मान लो हम इस छत को देखें तो कॉर्नर से जो फील्ड लाइन है वो छत में से ऐसे निकलेंगी, निकलेंगे नहीं निकलेंगे, तो इस छत के परपेंडिकुलर भी कोई नहीं है तो इसका फ्लक्स क्या हो गया, जीरो। इसी तरीके से इससे जाने वाली जो लाइन है जो इधर की वॉल है उसमें से ऐसे जा रही है, तो तीन वॉल से फ्लक्स कितना हुआ, जीरो। अब बच कितनी गई, तीन, एक ये फ्लोर, एक इधर वाली और एक जस्ट सामने वाली। ये तीनों ही जो वॉल्स हैं ये इस वाले चार्ज के लिए सेमेट्रिकल है। सेमेट्रिकल मतलब कि आइडेंटिकल हम कहेंगे, सेमेट्रिकल नहीं कहेंगे, सॉरी आइडेंटिकल। यानी कि आप देखेंगे कि उस वॉल तक अगर हमें पहुंचना है तो ये जो चार्ज रखा है इस चार्ज के साथ में जो वॉल है ये जाकर के एल शेप बना रही है। अगर हमें मान लो इस वाली वॉल पर पहुंचना है तो इसके साथ जो ये वाली वॉल है ये इसके साथ एल शेप बना रही है, और इस तक पहुंचना है तो ये जो इसकी छत है छत इसके साथ एल शेप बना रही है। तो हम कहेंगे तीनों की तीनों कैसी हैं, ये आइडेंटिकल है। तो हमें पता है कि सिक्स फेसेस में से तीन फेस में कोई फ्लक्स नहीं है, और बाकी की जो तीन बची हैं उन तीनों में से बराबर फ्लक्स जाएगा क्योंकि तीनों की तीनों ही आइडेंटिकल है। हमें पता है कि इस पूरे क्यूब में से कितना जा रहा है, क्यू अपॉन एट एप्सिलॉन, पूरे क्यूब में से निकलने वाला फ्लक्स इतना है। बट इनमें भी अगर हम ध्यान से देखें तो तीन से तो ये जा ही नहीं रहा, अरे पूरे क्यूब में से जाने वाला फ्लक्स इतना था ना, लेकिन इतने फ्लक्स को अगर ध्यान से देखें तो भाई साहब तीन फेस से तो बिल्कुल ही नहीं जा रहा, तो ये फ्लक्स वास्तव में कितनी फेसेस से जा रहा है, मात्र तीन फेसेस से जा रहा है। तो तीन फेसेस से निकलने वाला फ्लक्स कितना है, इतना, थ्री फेसेस। तो वन फेस से जो जाएगा वो कितना जाएगा, क्यू अपॉन एट एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई थ्री, तो क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया। और देखिए किस तरह के क्वेश्चंस हम यहां पर कंसीडर कर सकते हैं। इसमें मान लीजिए आपको ये सीबीएसई की किताब में दिया हुआ है कि ये एक स्क्वायर है, ठीक है, ये एक स्क्वायर दिया हुआ है जिसकी साइड ए है, जिसकी साइड ए है, ठीक है, ये ए वाई साइड है इसकी स्क्वायर की, ये ए और ये इसका सेंटर, सेंटर से ए वाई टू दूरी पर, ए वाई टू दूरी पर एक चार्ज कैपिटल क्यू रखा हुआ है यहां पर, ये सेंटर है इसका, समझ में, ये इस स्क्वायर, ये मान लो स्क्वायर प्लेट ऑफ साइड ए, ये सेंटर है सी, तो सेंटर से कितनी हाइट पर है चार्ज कैपिटल क्यू, ए वाई टू पर। तो बताइए इस स्क्वायर प्लेट से कितना फ्लक्स जाएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्क्वायर प्लेट। तो इस स्क्वायर प्लेट से कितना फ्लक्स जाएगा आपको यह बताना है। तो इमेजिन करिए कि जैसे हमने एक स्क्वायर प्लेट ले ली, जैसे ये हमारे पास एक स्क्वायर प्लेट है, ठीक है, ये साइड ए, तो इसका सेंटर कहां है, जैसे डायगोनल्स काटेंगे तो ये बीच में आ गया, इससे ए वाई टू दूरी पर ऊपर, यहां ये दूरी कितनी है ए वाई टू, और ये साइड कितनी है ए की, तो ए वाई टू दूरी की है, तो ए वाई टू दूरी पर चार्ज कैपिटल क्यू रख दिया। तो सोचो कि ए बाई ए की हमने ये प्लेट ली, यानी ए और ये ए, ऐसी प्लेट हमने ऊपर ले ली, ऐसी एक इधर, तो पूरा क्यू बनेगा, नहीं बनेगा, क्यू बन गया, अरे जैसे ये फेस है ऐसे ही एक इधर खड़ी कर लो स्क्वायर प्लेट, एक इधर की तरफ खड़ी करेंगे, ऊपर से बंद करें, तो क्यू बना, नहीं बना, तो उसका अगर हम सेंटर लेंगे तो सेंटर कहां जाएगा, इसके सेंटर से ए वाई टू दूरी पर। तो इसका मतलब यह है कि आप चाहे तो एक क्यू के अंदर इसको मान सकते हैं, एक ऐसे क्यू के अंदर जिसका सेंटर जो है वो इस वाले प्लेट के सेंटर से ए वाई टू दूरी पर है। तो उस क्यू से अगर हम देखें कितना फ्लक्स जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यू, ठीक है, तो कितना जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि जैसे अभी हमने क्वेश्चन बनाया है, ये क्यू कंसीडर किया इस तरीके से,
ठीक है, अभी किया था ना क्वेश्चन, ये साइड ए, ये साइड ए, ये साइड ए, तो हमने, हमें जो दे रखी है वो ये वाली एक स्क्वायर प्लेट दे रखी है, यहां सेंटर पर, यहां सेंटर है इसका, वैसे ए बाई टू दूरी पर इधर, ठीक है, ये दिया है। तो हमें क्या बताना है कि पूरा हमने क्यूब इमेजिन कर लिया, तो पूरे क्यूब से कितना जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन, तो एक फेस में से कितना जाएगा, ये उस क्यूब की एक फेस बनेगी नहीं बनेगी, बनेगी, तो कितना फ्लक्स जाएगा, तो आपका आंसर कितना आएगा, क्यू बाई सिक्स एप्सिलॉन नॉट, नहीं यही बात है। अरे भाई साहब, छह फेस हमने, हमने क्या माना, ये जो एक स्क्वायर प्लेट है ऐसी हमने छह प्लेट से एक क्यूब बना लिया, तो ये चार्ज उसके सेंटर पर आएगा नहीं आएगा, तो उस क्यू के सेंटर पर ये चार्ज है, तो क्यू में से कितना फ्लक्स गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन, तो छह फेस में से कितना गया, इतना, तो एक में से कितना जाएगा, डिवाइडेड बाई सिक्स, अभी तो किया है हमने क्वेश्चन, बिल्कुल। और देखिए किस तरह के क्वेश्चन तुमसे पूछे जा सकते हैं, मान लीजिए एक हेमिस्फीयर है, अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो एक हमने हेमिस्फीयर लिया, ये हेमिस्फीयर ये क्लोज्ड है यहां से, ठीक है, यहां पर एक चार्ज रख दिया क्यू कूलम, बताइए कितना फ्लक्स जाएगा, फ्लक्स कितना आएगा, क्योंकि किसी भी क्लोज सरफेस के अगर चार्ज आउटसाइड है तो जितनी फ्री लाइंस एंटर करेंगी उतनी बाहर निकलेंगी, तो टोटल फ्लक्स कितना आएगा, जीरो, पढ़ाया हुआ है। सोचिए कि अगर इस चार्ज को बिल्कुल मैं इसके यहां पर रख दूं, जो जो इसका ये सेंटर है, मैंने सेंटर पर रख दिया, तो अब इसमें से कितना जाएगा, ये बाहर नहीं है, ये अंदर है इसके सेंटर पर, मतलब कि ये जो इसका ग्रेटेस्ट डायमीटर है तो ये वहां पर रखा हुआ है सेंटर पर, तो अब कितना जाएगा इसमें से, इमेजिन करो कि अगर मैं इसको कंप्लीट बनाता तो कितना जाता, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पर चार्ज क्यू है, क्यू बाई एप्सिलॉन पूरे में से जाता ना, बट ये क्या है, ये आधा, क्योंकि इसमें से फील्ड लाइंस इस तरह से बाहर निकलेंगी, जाएंगी नहीं जाएंगी, इस तरह से बाहर निकलेंगी, ये तो आप देखेंगे कि जितनी फील्ड लाइंस इसमें से ऊपर हेमिस्फीयर से जाएंगी उतनी फील्ड लाइंस नीचे के हेमिस्फीयर में से निकलेंगी, तो हमें तो इस हेमिस्फीयर का बताना है, तो कितना हो जाएगा, q अपॉन टू एप्सिलॉन, यहां पर ये आंसर हो जाएगा, नहीं है एक बार समझना, अब हमने चार्ज को बाहर लिया, इसके बिल्कुल ऊपर रख लिया, और अगर चार्ज को हम अंदर रख देते हैं, हेमिस्फीयर के अंदर अगर हम रख देते हैं चार्ज को, जैसे ये आपने एक हेमिस्फीयर बनाया, ठीक है, हमने चार्ज को सेंटर से थोड़ा अंदर रख दिया यहां पर क्यू, तो अब कितना जाएगा, अब जो आपका आंसर आएगा फ्लक्स की वैल्यू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यों, क्योंकि अब तो फील्ड लाइंस इसमें से बाहर निकलेंगी इस तरीके से, अरे जाएंगी नहीं जाएंगी, इस तरह से जाएंगी, तो ऐसे ऐसे बाहर आएंगे, तो आप देखेंगे अब तो जो फील्ड लाइंस है वो दो सर्फेसिस से जा रही है, इधर की तरफ से और बाहर की तरफ से, यानी चार्ज कहां आ गया हमारा, क्लोज सर्फेस के अंदर, तो गॉस लॉ क्या कहता है कि अगर किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज क्यू है तो उससे निकलने वाला फ्लक्स होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन, शेप किसी भी साइज की, शेप जो है वो कितनी भी साइज की है, छोटी है बड़ी है या कोई भी शेप है, फ्लक्स उस पर डिपेंड नहीं करेगा, बात क्लियर हो गई, ठीक। अब देखिए कुछ एक बातों को और अगर हम विचार करें, अगर मान लो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि फाइव नेट अगर जीरो हम ले रहे हैं, इफ फाई नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू है वो जीरो है, तो दिस इंप्लाइज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो, ये ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू और फॉल्स, आप क्या मानते हैं इसको, अगर मान लीजिए किसी भी क्लोज सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स जीरो है तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा, सोचिए फ्लक्स जीरो है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा, एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस इज इक्वल टू जीरो, एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस, क्या सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, विचार कर लो, मान लीजिए कि आपने एक क्लोज सरफेस ली -2 माइक्रोकूलम प्लस का 2 माइक्रोकूलम, ये हमने चार्ज लिया और हमने ये वाला पॉइंट लिया सरफेस के ऊपर, तो इसकी मतलब ये चार्ज यहां पर है, ये चार्ज है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा, मान लो यहां पर कितना है E1, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा, मान लो कितना है E2, तो ये दो चार्ज हैं, तो हम देख रहे हैं कि दोनों चार्जेस की वजह से अगर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें निकालना है तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा E नेट, क्लियर हो गया। अरे आपको पता है पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड लाइंस बाहर निकलती है, नेगेटिव चार्ज की वजह से अंदर जाती है, तो ये हमने यहां पर नेगेटिव चार्ज माना हुआ है, हमने यहां पर मान लिया Q
कि ये नेगेटिव चार्ज है माइनस का 2 माइक्रो कूलम। क्लियर? तो -2 और +2 माइक्रो कूलम की वजह से हमने यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू जीरो। बट अगर मैं आपसे कहूं कि फ्लक्स कितना है, तो आपने फाई नेट पढ़ा हुआ है, इस सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा, टोटल कितना चार्ज है क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन, तो क्यू इनसाइड कितना है -2 + 2 / ε₀। तो फ्लक्स कितना आ गया 0। क्लियर होगी बात? तो इसका मतलब यह है कि अगर फ्लक्स की वैल्यू 0 है तो क्यू इनसाइड क्या 0 होगा, ऐसा नहीं है। हम देख रहे हैं सरफेस से जाने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 है, बट हमने ये वाला पॉइंट कंसीडर किया, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 नहीं है, तो ये क्या होगा, फॉल्स और ट्रू? क्यों जी, दिस इज फॉल्स, आंसर क्या होगा, फॉल्स। क्लियर? और देखिए, और हम कैसा क्वेश्चन बना सकते हैं, नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करते हैं यहां पर कि हमने एक सरफेस ली और उस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इफ E इज इक्वल टू 0 एवरीवेयर ऑन द सरफेस, तो दिस इंप्लाइज फाई नेट इज इक्वल टू 0। बताइए ट्रू और फॉल्स क्या होना चाहिए, ट्रू और फॉल्स कौन सा आंसर होगा? सोचिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी क्लोज्ड हमने कोई भी सरफेस ले ली, ठीक है, उस सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो क्या फ्लक्स भी 0 होगा? यस, दिस इज ट्रू। क्यों ट्रू भाई साहब? फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स एनर्जी का मेजरमेंट होता है कि कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी निकल रही है। अरे जब इलेक्ट्रिक एनर्जी नहीं है तो फ्लक्स कहां होगा? कॉमन सेंस यूज करिए। जब भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है यहां किसी भी जगह पर, किसी सरफेस के किसी भी पॉइंट पर, मैंने कह रहा है इक्वल टू 0 एवरीवेयर ऑन द सरफेस, हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 0 है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है यहां, तो क्या एनर्जी क्रॉस करेगी? नहीं करेगी। तो क्या फ्लक्स आएगा? नहीं आएगा। तो इसका मतलब अगर E 0 है एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? 0। तो आंसर क्या होगा हमारा? ट्रू। क्लियर हो गई बात? अब देखिए, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, मान लीजिए कि इनसाइड इफ क्यू इनसाइड इज इक्वल टू 0, हमने मान लिया कि एक क्लोज्ड सरफेस है और इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर हमने चार्ज को कितना ले लिया, 0, तो क्या हम यह कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस? विचार करो, हमने जैसे ये सरफेस ली, ठीक है, क्यू इनसाइड 0 है, अभी हमने किया तो है भाई, -2 माइक्रो कूलम + 2 माइक्रो कूलम, तो क्यू इनसाइड कितना है 0, बट क्या इलेक्ट्रिक फील्ड यहां 0 आया था? नहीं आया था। यहां पर हम देख रहे थे, यहां मान लो माइनस क्यू चार्ज, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर था, ये प्लस क्यू चार्ज, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर था, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ये मान लो E1, ये E2, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो ऐसे आएगा। तो क्यू इनसाइड अगर हम देख रहे हैं टोटल कितना है -2 + 2, तो दिस इज इक्वल टू 0, बट E नेट इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये कैसा होगा, ट्रू और फॉल्स? अगर क्यू इनसाइड 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस 0 होगा, दिस इज फॉल्स। क्लियर होगी बात? अच्छा, अगर क्यू इनसाइड 0 है तो क्या फ्लक्स 0 होगा? अगला है, एक क्यू इनसाइड इज इक्वल टू 0, तो दिस इंप्लाइज फाई नेट इज इक्वल टू 0, ट्रू और फॉल्स बताइए, ट्रू और फॉल्स क्या होगा दोनों में से? आपने पढ़ा है कि जो फ्लक्स आता है उसमें बाहर वाले चार्ज का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता, जो भी कंट्रीब्यूशन होता है अंदर वाले चार्जेस का होता है, तो अंदर वाले चार्जेस तो भाई साहब सबका नेट कितना है, क्यू इनसाइड का मतलब नेट सम। आपको मैं एक चीज और बता दूं, ये जो इनसाइड हम लेते हैं क्यू इनसाइड, इसका मतलब होता है नेट चार्ज, वो चार्ज चाहे पॉइंट चार्जेस की फॉर्म में फैले हुए हैं या लाइन चार्ज की फॉर्म में फैले हुए हैं
इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है हमें, तो टोटल चार्ज से मतलब है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो लाइन चार्ज भी हो सकता है, वो पॉइंट चार्जेस भी हो सकते हैं, हमें सबका सम चाहिए। तो वो हमारा जीरो है, तो फ्लक्स जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि फाई नेट जो होता है वो क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू इनसाइड जीरो, तो फाई नेट भी क्या आएगा बताइए, फाई नेट की वैल्यू क्या आएगी? जीरो। इसी तरह से अगला देखिए आप, इफ इज इक्वल टू जीरो एवरीवेयर, एवरीवेयर ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस, तो दिस इंप्लाइज क्यू इनसाइड इज इक्वल टू जीरो, ये ट्रू और फॉल्स क्या होगा सोचिए। हमको पता है कि जो कि कोई भी क्लोज सरफेस हम ले रहे हैं तो उससे जाने वाला जो नेट फ्लक्स होता है वो क्या होता है, ई डॉट डीएस या ई डॉट डीए, और इसकी वैल्यू क्या होती है, दिस इज क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन। अब मैंने क्या बोला है यहां पर, अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हमारी वैल्यू आएगी ई इंटू ds into cos 0। मैंने मान लिया कि चार सेंटर पर, सारा की सारा q inside सेंटर पर है और r रेडियस का हमने ये स्फीयर लिया, क्या लिया ये, हमने ये स्फीयर कंसीडर किया, तो इससे जाने वाला टोटल जो फ्लक्स आएगा eda cos 0 या इंटीग्रेशन लगाएंगे, और दिस इज इक्वल टू q inside अपॉन epsilon, तो e इलेक्ट्रिक फील्ड ये बाहर आ गया और इंटीग्रेशन ये क्या आएगा ds, दिस इज इक्वल टू q inside अपॉन epsilon। तो आप अगर Q inside की वैल्यू देखेंगे तो दिस इज इक्वल टू E into, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 4 पाई R स्क्वायर into epsilon, ये इधर चला गया, बट E आपको कितना दे रखा है हर पॉइंट पर, बट E इज इक्वल टू 0, तो इससे क्या प्रूव होगा, दिस इंप्लाइज Q inside इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब आंसर क्या है आपका, ट्रू, आंसर क्या है, ट्रू। क्लियर हो गई बात? तो देखिए अगले वीडियो के अंदर हम और भी इसके प्रॉब्लम्स लेकर के आएंगे गॉसेस लॉ की, ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके प्रॉब्लम्स और भी डिस्कस करेंगे और आगे इसके जो एप्लीकेशंस हैं कि गॉस थ्योरम की हेल्प से हम प्रूव करेंगे कि एक स्ट्रेट लाइन वायर है, इसकी वजह से आर दूरी पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी, एक स्फेरिकल शेल है उसकी वजह से सरफेस पर कितना पोटेंशियल होगा, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, एक इन्फाइनाइट प्लेन सीट ऑफ चार्ज है उसकी वजह से आर दूरी पर कितनी इंटेंसिटी होगी, इस तरह के हमें मतलब कुछ एप्लीकेशंस को डिस्कस करना है, ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।